हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हमारे साथ लावण्या जी हैं, जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्रैक कर लिया है और उन्होंने बिजनेस लॉज में 73 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो लावण्या जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन क्लियरिंग सीए थैंक यू फाउंडेशन। सर। तो लावण्या, जैसे आपने 73 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपने कहाँ से एग्जैक्टली स्टडी करी थी बिजनेस लॉ सब्जेक्ट की और कैसे स्टडी करी थी। मैंने बिजनेस लॉ चाणक्य नीति बैच से करा था। मैंने आपके वन शॉट वीडियोस देखे थे, उसमें आपने कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से समझाया है बिल्कुल, तो मुझे उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो मैंने वहीं से किए हैं। मैं पहले लेक्चर्स लगाती थी, फिर एक एक यूनिट करने के बाद मैं बुक से रीडिंग करती थी। फिर ठीक है, जब मेरे 8 चैप्टर्स हो जाते थे, फिर मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और आपके जो क्वेश्चन बैंक थे मैं उसके भी क्वेश्चन लाइक रिटन प्रैक्टिस करती थी। सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे ना, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं लिखती थी, बट हाँ, अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 क्वेश्चन मैं लिखती थी, और बाकी मैं सोचती थी और फिर करेक्ट चेक करती कर थी कि वो लेती। सही है या नहीं, चेक करती थी। और उसके बाद फिर जब मैंने सारे चैप्टर्स कर लिए, एक एक चैप्टर करने के बाद अगर मैं दूसरे चैप्टर शुरू कर रही हूँ, तो उसके साथ मैं फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन साथ में करती थी। ओके, जो हाँ, जो मैं मॉड्यूल से रिवीजन करती थी, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे कोई भी, तो मैं मॉड्यूल ठीक से है, रिवीजन करती थी। मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स थे, या तो मैं समरी पढ़ लेती थी, और नहीं तो फिर मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा लेती थी, तो उससे मेरे पूरे चैप्टर की रिविजन हो जाती थी। लास्ट के 2 मंथ्स में, फर्स्ट मंथ मैंने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की है और मैं रिविजन करती थी साथ ही साथ मॉड्यूल से, और लास्ट मंथ में मैंने सिर्फ मगअप किया है, सिर्फ मगअप किया है मैंने। मैं राइटिंग प्रैक्टिस हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस करती थी डेली बेसिस पे, ऐसे में मैंने लास्ट मंथ पे एक भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, मैंने सिर्फ मगअप किया है लास्ट मंथ पे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस मैंने पहले के 3 मंथ्स में मैंने कर लिए थे, तो मुझे फिर राइटिंग प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं लिख तो लूंगी, लेकिन दिक्कत ये था कि मैं भूल जा रही थी, तो इसलिए ओके, मैं रिटेन करने के लिए मैं विद इन अ वीक और अ फोर्टनाइट मैं उसको रिविजन करती रहती थी। तो ऐसे फिर मैंने रिविजन किया, एंड देन मैंने MTPs RTPs सारे लगाए थे, जून के सारे लगाए थे, जून के PYQ लगाई थी और सितंबर के भी लगाए थे। वो लाइक इनफ था, अगर आपको पूरा सिलेबस रिविजन करना है दैट इज इनफ। तो लास्ट मंथ में मैंने सिर्फ मार्कअप किया है और MTP RTP किया है। ठीक है। और आपने कोई मैराथन वगैरह भी देखी थी क्या, या बस एग्जाम में डायरेक्टली चले गए थे? नहीं, मैंने सिर्फ चाणक्य नीति से ही पढ़ा था बस एक बार, और लास्ट में मैंने सिर्फ मॉड्यूल से ही रिविजन किया था। ठीक है, ठीक है। और कितने टाइम रिवीजन हो गया होगा अगर मैं बात करूं तो? 2 3 बार रिवीजन कर लिया था मैंने, 3 बार कर दो लिया तीन था। बार मॉड्यूल से रिवीजन कर हाँ, गया था, तो लग रहा था कि मतलब 70+ मार्क्स आ जाएंगे जब पेपर दिया था, नहीं या कम बिल्कुल है? नहीं, मुझे तो लग रहा था, मतलब ऐसे था कि आप 40 तो आ जाएगा, पास हो जाऊंगी, बट इतना नहीं था कि 50 भी आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा, लेंथी पेपर था। और लाइक मैंने स्टार्टिंग के 1 2 क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखे थे, फिर क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन करने में 40 to 45 मिनट्स लग गए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ओके, ठीक तो हाँ, तो फिर मैं नर्वस हो गई थी, तो फिर मैंने फैक्ट्स लिखना छोड़ दिया, फिर आगे के क्वेश्चन पे मैंने फैक्ट्स लिखे ही नहीं, और फिर मैं जल्दी जल्दी मैंने लिखे, और लास्ट में एकदम लास्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था, जो कंपलसरी होता है वो करना ही पड़ता है, तो लास्ट में लाइक 15 to 20 मिनट्स हार्डली बचा था, तो मैंने क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे बस ऐसा था कि मुझे अटेम्प्ट करके आना है, तो मैंने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2 या 3 मार्क्स का छोड़ा था, और बाकी सब मैंने अटेम्प्ट करके आए थे। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिख के आया है और क्या किया है, आई डोंट नो, लाइक मुझे नहीं पता इतने मार्क्स कैसे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो लाइक मैंने जब चेक किया पेपर, जब सारे पेपर खत्म हो गए थे उसके बाद मैंने चेक किया था, तब फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का तो एक भी मार्क्स ही नहीं काउंट किया, क्योंकि मुझे लगा था अच्छा, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा फिर, लेकिन हाँ 73 तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा। और आपने कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था? 97 98 97-98 मार्क्स का कर लिया था इतना लेंदी होने के बावजूद। ओके ओके, गॉट इट। और लास्ट डे की स्ट्रेटेजी कैसे रही थी, मतलब जो लास्ट डे एक दिन मिलता है रिवीजन का, वो आपने पूरा सेल्फ स्टडी किया आपने जैसे बोला, तो सेल्फ स्टडी एग्जैक्टली आपने क्या पहले से ही चैप्टर्स को आर्स बांट कर दिए हुए थे, या कोई सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन देखे? वो लास्ट डेढ़ दिन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मैंने लास्ट 1.5 दिन में भी पूरा मॉड्यूल किया था, पूरा अच्छा, पूरा मॉड्यूल एक बार गो थ्रू। मॉड्यूल। हाँ ओके, पूरे 7 के 7 चैप्टर।
ऐसा तो नहीं किया कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 माह का है, नहीं छोड़ एल नहीं एल छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं किया आपने। नहीं ओके ओके गॉट इट। तो ठीक है, थैंक यू लवण्या, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आई होप इस सेशन से सभी जो सी एस्पिरेंट्स जैन में देने वाले हैं या जैन के बाद जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा, उन्हें समझ आएगा कि एग्जैक्टली उनकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए बिजनेस लॉस जैसे सब्जेक्ट में। थैंक यू। थैंक यू सर।